दोस्तों, अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रखी है इंडियन नेवी की तरफ से। तो आज जो हम बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इंडियन नेवी में आई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के, भारत के किसी भी कोने के नागरिक जो है, अगर 10वीं पास हैं आप तो यहाँ पर आप जो है एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उसमें जो है आपका 400 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। तो इसके रिगार्डिंग जो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कौन सी पोस्ट है, एग्जामिनेशन फ़ी, ये सारी चीज़ जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है, जैसे कि अभी हाल भी हमने बहुत सारी वैकेंसी बता रखी है। अगर आपने ये सारी वैकेंसीज नहीं देखी है तो आप इनको जरूर देखें, उनकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले फॉर्म को जरूर फिलअप करें। सो दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंडियन नेवी की आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन नेवी के बारे में। तो यहाँ पे जो इंडियन नेवी में है, अनमेरिड कैंडिडेट ही यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। जी हाँ, अगर आप अनमेरिड मेल कैंडिडेट हैं तो भी जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे सेलर फॉर मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए, MR के लिए जो है वैकेंसी निकल रखी है, जिसकी ज्वाइनिंग जो है आपको 2020 में जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। आपकी जो यहाँ पे बैच होगा वो कमेंसिंग होगा अक्टूबर 2020 में। देन यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे 400 रखी गई है। और जो इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका 10th पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे 21,000 से लेके 69,000 तक जो है आपको यहाँ पे सैलरी दिया जा रहा है। इनिशली जो है स्टार्टिंग में जो है आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 14,600 पर मंथ जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। देन यहाँ पे जो जॉब का स्पेसिफिकेशन है उसमें आप सेफ स्टेवर्ड और हाइजीनिस्ट जो है यहाँ पे आप की जॉब प्रोफाइल रहेगी। देन यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट में जो है देखिए, यहाँ पे अगर आप 1 अक्टूबर 2000 के बाद पैदा हुए हैं तो जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रमोशन स्कीम भी है जहाँ पे आपको 1,51,000 तक सैलरी भी प्रोवाइड किया जा सकता है। आपके डिपेंड करेगा कि आप जो है आगे जाके कितना प्रमोट होते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप 10th के लिए, बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसी इतनी सैलरी किसी भी जगह नहीं प्रोवाइड की जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो है यहाँ पे स्टेट वाइज मेरिट परफॉर्म होगा, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑल ओवर इंडिया में होगा, और ऑल ओवर इंडिया जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन मेडिकल होगा। तो एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम में देखिए क्या पूछा जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम में जो है आपके कंप्यूटर बेस्ड, मतलब 50 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स के, जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है पेपर रहेगा। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहेंगे, और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 2 सेक्शन रहेगा, साइंस मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। ये इन सेक्शन से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सब के वीडियो जो हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, आप जो है इस हमारे चैनल को फॉलो अप करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आधे घंटे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद जो है आपको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर जो है 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। 7 मिनट 20 सेकंड में जो है, 7 मिनट में जो है आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। देन 20 जो है उठक बैठक करना पड़ेगा, 10 जो है पुशअप। तो इसके बाद जो है आप क्वालिफाई हो जाएंगे मेडिकल के लिए। मेडिकल में क्वालिफाई होने के बाद आपका जो है फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे कितना एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे 215 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है जनरल से OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे कैसे जो है फॉर्म को फिलअप करना है और इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है। तो देखिए, लास्ट डेट देख लेते हैं। तो लास्ट डेट जो है इसकी 28 नवंबर है। 28 नवंबर से पहले जो है फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, फॉर्म जो है आपके लिए बंद हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए जो है आपको 23 नवंबर से लेके 28 नंबर के बीच ये फॉर्म जो है एक्टिवेट होगा, जहाँ से आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा joinindianavy.gov में। इसके बाद जो है वहाँ पे लॉगिन करके अपने करंट अपॉर्चुनिटी में जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ करके फॉर्म को और ईजिली तरीके से जान के फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियन नेवी में आई हुई वैकेंसी, जहाँ पर 10th के कैंडिडेट जो है यहाँ पर एलिजिबल थे।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इनकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले फॉर्म को ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद है तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।